आज हम देखेंगे क्लास एट सब्जेक्ट है हिस्ट्री, उसका लेसन थ्री इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। आज हम इसका क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, तो क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर वन, री राइट द स्टेटमेंट बाय चूजिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। पहला है पोर्टुगीज डैश फ्रेंच ब्रिटिश पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन ऑफ कैप्चरिंग इंडियन मार्केट, तो इसका आंसर आएगा डच। सेकेंड है इन 1802 पेशवा डैश साइन द सब्सिडायरी अलायंस विद द ब्रिटिश, तो इसका आंसर आएगा बाजीराव सेकेंड। अभी थर्ड है आपका, जमशेदजी टाटा स्टार्टेड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एट टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एस्टैब्लिज इन जमशेदपुर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। पहला है सिविल सर्विसेज, इसका आंसर आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकेंड है आपका कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल, इसका भी आंसर आपके सामने है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा है आपका इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश, इसका भी आंसर आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रीजन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका फार्मर इन इंडिया बिकम बैंकरप्ट, तो इसका आंसर आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकेंड है आपका देयर वॉज डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री इन इंडिया, तो इसका भी आंसर आपके सामने है, ये पहला है और बाकी ये सब है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है आपका कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, तो इसका भी आंसर आपके सामने है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।